Good afternoon, friends, and thanks for being here. The cabinet meeting concluded this forenoon. Uh, first, let me welcome the dignitaries on the dais, the Honorable Minister of External Affairs, Srimati Sushma Honorable Minister for Health and Family Welfare, Sri J.P. Nadaji. I extend a warm welcome to you, sir and madam. Uh, indeed, it is a great pleasure uh, the External Affairs Minister is for the first time coming to National Media Centre and I could see the buzz there, you know. So thank you, ma'am, for <laughs> uh, deciding to come here and brief. And on the dais is also Secretary DG Department of Health Research, Dr Saumya Swaminathanji. I extend a warm welcome to you. Uh, the Honourable Minister, External Affairs Minister, will first brief you on one single agenda of the cabinet is a very important decision. And other decisions, we will put it on our website. So there's nothing to really worry about it. And uh, next, uh, you know the points of order. Uh, please keep your mobiles either on a switch off mode or silent mode. Over to the external affairs minister. Thank you, Frank Narunaji. Namaskar Mitru. सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा शांत कर दूं। मैं विदेश मंत्रालय के किसी विषय पर आज बात करने नहीं आई मैं आई हूं आज कैबिनेट का एक फैसला कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल के द्वारा आया है और उस बिल को आज मंजूरी दी है कैबिनेट ने बिल स्वास्थ्य मंत्रालय का है संसद में भी स्वास्थ्य मंत्री उसको प्रस्तुत करेंगे लेकिन इस बिल के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्री समूह का गठन किया था जी का मैं उसकी अध्यक्ष थी मेरे साथ उसमें स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी थे डॉक्टर हर्षवर्धन थे श्री रविशंकर प्रसाद थे श्रीमती हरसिमरत कौर बादल थी श्रीमती निर्मला सीतारमन थीं और श्री जयंत सिन्हा थे क्योंकि हमारे द्वारा सर्वसम्मति से सिफारिश किए गए बिल को आज मंजूरी मिली कैबिनेट की तो उस समूह के मुखिया के नाते आपके सामने हाजिर हुई हूँ उस बिल के बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है बहुत दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा था ये बहुत दूरगामी परिणामों वाला बिल है और महिला सुधार की दृष्टि में एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा हमारे देश में अंग व्यापार को लेकर सामान्यतः बहुत चिंता व्यक्त की जाती रही है लेकिन उस अंग व्यापार में किडनी लिवर ज्यादातर इन्हीं अंगों की चर्चा होती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नया आयाम उसमें जुड़ा है कोख का व्यापार गरीब महिलाओं की गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए महिलाओं की कोख खरीदी जाने लगी है और अपने आप को निसंतान दंपति कहकर लोग उस कोख को किराए पर लेते हैं और अपने बच्चे का गर्भ उस महिला द्वारा धारण करवाते हैं और बच्चा होने के बाद महिला की उपेक्षा करके बच्चा स्वयं लेकर चले जाते हैं और ऐसी भी घटनाएं बहुत सामने आई जहां बच्चे के रूप में लड़की के होने के कारण उसको भी छोड़कर चले जाते हैं ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि जुड़वा बच्चे हुए एक बेटा एक बेटी तो बेटे को लेकर और बेटी को छोड़कर चले जाते हैं ऐसी भी घटनाएं सामने आई जहां बच्चा किसी विकलांगता से ग्रस्त था तो उसको भी छोड़कर चले जाते हैं ये बहुत बड़ी समस्या बन गया था और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि ये व्यापार फलने फूलने लगा था देश में एक आंकड़े के अनुसार 2000 हजार सरोगेसी क्लिनिक आज देश में चल रहे हैं जहां गरीब महिलाओं को कुछ पैसे देकर ले आया जाता है किसी दूसरे दंपति का एम्ब्रियो उनके वूम्ब में प्रवेश करा के नौ महीने तक गर्भ की पीड़ा उनके द्वारा सही जाती है और बाद में बच्चे का मुंह भी उसे दिखाया नहीं जाता चंद पैसे देकर के उसे अपने घर वापस भेज दिया जाता तो इसमें महिला हेल्थ का भी एक इशू है विमेन हेल्थ का भी एक इशू है एबेंडेंट चिल्ड्रन उनके वेलफेयर का भी एक इशू है और इस तरह की चीज़ जो प्रकृति के विपरीत है केवल पैसा कमाने की दृष्टि से इस तरह के सरोगेसी क्लिनिक जो चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का भी एक इश्यू है एक मुद्दा है तो एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया है जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी लेकिन एक इश्यू इसमें यह भी उठा करके आया कि जो दंपति वाकई में निसंतान हैं मेडिकली अनफिट हैं बच्चा पैदा नहीं कर सकते और एक आधुनिक तकनीक उपलब्ध है और उनका अपना कोई रिश्तेदार यानी पति की भाभी या पत्नी की बहन इस तरह के लोग उनकी मदद करने को तैयार हैं तो उसमें सरकार आड़े क्यों आए इस तरह की सरोगेसी को एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कहते हैं व्यापारिक आधार पर पैसा देकर किए जाने वाले सरोगेसी को कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं तो एक संतुलन बैठाया जाए कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए लेकिन इस तरह के रिश्तेदार अगर आगे आकर मदद करते हैं तो उस पर रेगुलेट करते हुए उसकी अनुमति दी जाए ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों के सामने थी एक मत ये भी था कि हर तरह की सरोगेसी बंद की जानी चाहिए एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए एक मत यह था कि अब आधुनिक युग में सब कुछ हो रहा है तो पूरी कमर्शियल सरोगेसी चली दी चलने दी जानी चाहिए क्यों सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए लेकिन अल्टीमेटली जो पूरे समूह का मत बना वो ये बना कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन करो और एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करो इसलिए इस बिल के जो मुख्य प्रावधान हैं वो मैं आपके आपको बताना चाहूँगी सबसे पहली बात इस बिल के माध्यम से केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिया जा रहा है और सरोगेसी का भी विदेशी नागरिक और यहाँ तक कि ओ कार्ड होल्डर्स को भी अनुमति नहीं होगी यानी जो एन हैं जिनके पास ओ कार्ड होता है या पी आईओज हैं जिनके पास ओ कार्ड होता है उन्हें भी अनुमति नहीं होगी शुद्ध रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक को ही ये अनुमति होगी दूसरा जो दंपति इस तरह का बच्चा चाहता है सरोगेट चाइल्ड वो कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए शादीशुदा होने चाहिए आपस में अविवाहित को अनुमति नहीं होगी सिंगल पेरेंट की अनुमति नहीं होगी लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं होगी होमोसेक्सुअल कपल्स को अनुमति नहीं होगी कानूनी रूप से मेल एंड फीमेल लीगली वेडेड कपल्स को ही यह अनुमति दी जाएगी तीसरा इसी में शादी को कम से कम पांच वर्ष का समय बीत जाना चाहिए अपने यहाँ विवाह की उम्र लीगली लड़के की इक्कीस बरस और लड़की की अठारह बरस रखी गई है उससे नीचे तो विवाह ही अनुचित है इलीगल भी है तो इसलिए उम्र जो रखी गई है वो लड़की के लिए तेईस से पचास और पुरुष के लिए छब्बीस से पचपन यानी अगर इक्कीस में भी शादी होती है तो पाँच साल ज़रूर तो लड़के की उम्र तब तक 26 हो जाए और लड़की की 23 हो जाए जो 18 साल की लड़की की अगर शादी होती है पाँच साल तक उनको प्रतीक्षा करना बेहद ज़रूरी है ये नहीं कि कल शादी हुई और आज अपने काम को सरोगेट चाइल्ड चाहिए ये पाँच साल की आवश्यकता चौथी बात मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी कमी दोनों में है कि वो स्वयं का बच्चा पैदा अपने आप नहीं कर सकते ये एक मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट आवश्यक है इसके अलावा जो प्रतिबंध लगा है जिनके पास अपना बच्चा है या जिन्होंने बच्चा ना होने के कारण एक बच्चा गोद ले लिया है उनको ये अनुमति नहीं दी जाएगी मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब शौक बन गई है कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे सामने और बड़ी सेलिब्रिटीज के हैं जिनका अपना बच्चा एक नहीं दो दो हैं और बेटा और बेटी दोनों हैं तो भी उन्होंने सरोगेट चाइल्ड किया है तो ये जरूरत के लिए तो है अनुमति शौक के लिए नहीं है और ना इसलिए है कि क्योंकि पत्नी प्रसव पीड़ा सहना नहीं चाहती इसलिए चलो सरोगेट चाइल्ड कर लो ये कोई आनंद की चीज़ नहीं है कि आप गरीब महिला को तो पैसे से खरीदेंगे कि वो प्रसव पीड़ा सहे और आप अपनी पत्नी के माध्यम से बच्चा नहीं करेंगे तो ये जो ज़रूरत शौक बन गई है या फैशन बन गया है मैं प्रसव पीड़ा नहीं सहूंगी इसलिए दूसरे से करवा लूँ ये जो फैशन बन गया है और जो शौक बन गया है इसको प्रतिबंधित करने के लिए ये अंकुश लगाया गया है कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है अपना स्वयं का बच्चा है या आपने गोद ले लिया है आप कह सकते हैं कि भी गोद ले लिया है तो क्यों प्रतिबंधित इसलिए कि गोद लिए हुए बच्चे के साथ यदि बाद में आपका बच्चा चाहे सरोगेटी हो अगर आ जाता है तो उससे भेदभाव होना लाजमी है और पालन पोषण में अगर भेदभाव नहीं होगा तो प्रॉपर्टी के समय तो निश्चित होगा इसलिए यह तय किया गया है कि अगर आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है अपना खुद का बच्चा है या आपने उससे पहले गोद ले लिया है तो आपको अनुमति नहीं होगी और इसके अलावा एक और अंकुश लगाया गया है कि एक महिला एक ही बार सरोगेट मदर बनेगी ये नहीं कि वो किराए की महिला हो गई आपके पास आज एक का बच्चा कर दिया कल दूसरे का कर दिया परसों तीसरे का कर दिया एक महिला एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती पूरी जिंदगी में एक ही सरोगेट बच्चा पैदा कर सकती है और इसी के साथ उस महिला पर भी ये अंकुश है कि एक तो वो विवाहित होगी और कम से कम एक स्वस्थ बच्चे को पहले जन्म दे चुकी होगी किसी अविवाहित को सरोगेट मदर बनने का अधिकार नहीं होगा विवाहित हो लेकिन बच्चा उसका ना हुआ हो ऐसी को भी नहीं होगा उस महिला का विवाहित होना ज़रूरी है और पहले एक स्वस्थ बच्चे की माँ होना ज़रूरी है अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब उसे अनुमति होगी सरोगेट मदर बनने की तो दोनों तरफ से अंकुश इस पर लगाया गया है और ये जो सरोगेसी क्लिनिक्स हैं उनके बारे भी ये लगाया गया है कि एक तो उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है कोई भी अनरजिस्टर्ड सरोगेसी क्लिनिक नहीं चल सकेगा और इसको और ज़्यादा अंकुश लगाने के लिए किया गया कि कोई भी सरोगेसी क्लिनिक यदि माँ की उपेक्षा करता है सरोगेट मदर की या चाइल्ड को एबेंडन करने में सहायता करता है या वो दंपति जो औरत की उपेक्षा करते हैं जिसको उन्होंने चाहे वो अब रिलेटिव ही होगी लेकिन उसकी अगर उपेक्षा करते हैं या बच्चे को एबेंडन करते हैं तो कम से कम दस साल की सजा नॉट लेस देन टेन ईयर्स कम से कम दस वर्ष की सजा होगी और दस लाख रुपए तक का जुर्माना होगा तो इन सारे अंकुशों के बीच में हमने अनुमति किसे दी है अनुमति दी है क्लोज रिलेटिव को कि ये जो है कि अगर जेनुअलली कोई निस्संतान है शादीशुदा हैं, पांच साल शादी को हो चुके हैं मेडिकली घोषित कर दिए गए कि इनका बच्चा नहीं हो सकता अगर उनकी कोई क्लोज रिलेटिव उनकी मदद को आगे आती है तो एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी के नाम पर उनको अनुमति दी जा सकती है लेकिन उन्हें भी माँ की उपेक्षा करने का या उससे पैदा हुए बच्चे को अबंडन करने का अधिकार नहीं होगा और बड़ी चीज़ इसमें हमने की है कि जो सरोगेट चाइल्ड जो सरोगेट बच्चा पैदा होगा उसे वो सभी अधिकार होंगे जो बायोलॉजिकल चाइल्ड को होते हैं समेत प्रॉपर्टी राइट्स के इनहेरिटेंस का अधिकार भी वैसे ही होगा जैसे अपने बच्चे को होता है पालन पोषण शिक्षा का अधिकार भी वैसे ही होगा पासपोर्ट में बाकायदा माता पिता का नाम होगा हर चीज वैसी ही होगी उसे उसके वही अधिकार होंगे जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को स्वयं के अपने बच्चे को होते हैं और हमने सरोगेसी क्लिनिक पर यह भी एक जिम्मेदारी डाली है कि वो किसी भी सरोगेट चाइल्ड का रिकॉर्ड 25 साल तक रखेंगे 25 साल से पहले वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता ताकि कल को जब बच्चा मेजर हो उसके बाद भी उसे तीन चार साल ये मिलने चाहिए कि यदि वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट कचहरी में जाने की अगर उसको आवश्यकता पड़े तो वो रिकॉर्ड वहाँ से निकलवा सके तो 25 बरस तक वो रिकॉर्ड सरोगेसी क्लिनिक को रखना होगा इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो प्रावधान हम लोग लेकर आए हैं हमें लगता है ये समस्या जो दिनों दिन पनप रही थी बढ़ रही थी इसमें मैंने कहा कि पार्लियामेंट में अश्योरेंस है ग्यारह बार एश्योर किया है संसद को सरकारों ने कि हम बिल लाएंगे तो एक ऐसा बिल हमने आज कैबिनेट से मंजूर किया है अभी अगला सत्र जो आएगा संसद का उसमें हम इसको प्रस्तुत करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल जाएगा उसके बाद अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई होगी तो स्टैंडिंग कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाएगी मंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि मैं ये भी बता दूं कि मैकेनिज़्म क्या है मैंने अभी केवल जो प्रावधान थे वो बताए लेकिन जो मैकेनिज्म है एक इसके नीचे नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनेगा और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनेगी जो नेशनल सरोगेसी बोर्ड है उसके चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री होंगे और जो सेक्रेटरी हेल्थ रिसर्च हैं जो भी इस विषय को देख रहे होंगे वो उसके वाइस चेयरमैन होंगे और तीन महिला सांसद उसकी सदस्य होंगी दो लोकसभा से चुनी जाएंगी और एक राज्यसभा से तो तीन महिला सांसद स्वास्थ्य मंत्री और सेक्रेटरी इनके साथ ये मिलकर बोर्ड बनेगा और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उनके नीचे बनेगी स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उसमें जो डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर होंगे वो चेयरमैन होंगे एक कोई रिप्रेजेंटेटिव विमेन ऑर्गेनाइजेशन की एन होगी एक लॉ विभाग का विधि विभाग का व्यक्ति होगा और एक कोई एमिनेंट प्रैक्टिशनर होगा इन चार लोगों से मिलकर के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनेगी जो स्टेट लेवल पे भी बनेगी और केंद्र के लेवल पर भी बनेंगे इसी तरह से बोर्ड्स स्टेट के भी बनेंगे और केंद्र के भी बनेंगे ये एक मैकेनिज्म होगा जिसके माध्यम से ये तमाम प्रावधान जो मैंने पहले आपके सामने रखे हैं उनको नियमित करने का एक प्रावधान होगा मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है आप कुछ पूछना चाहें इसके बारे में तो पूछ सकते हैं धन्यवाद मैडम सेड के 23 से 50 साल फॉर द विमेन एंड 26 से फॉर द मेल अब वो एज इफ कोई आदमी 23 साल में ही शादी लड़की करती है तो क्या उसी वक्त फ़ॉरन एलिजिबल हो जाएगी इसके लिए दूसरी बात एंड सेकेंड पार्ट यह है कि जुड़वा बच्चे होते हैं और उनको कभी कभी एक को लिया नहीं लिया या अनहेल्दी चाइल्ड है उसको छोड़ के चलेगा तो ऊपर भी क्लैरिटी अगर दें मैंने दोनों का जवाब पहले दे दिया तेईस साल में अगर शादी करती है तो पाँच साल रुकना पड़ेगा तो, तो इसीलिए ये कम से कम आयु रखी है तेईस साल में अगर करेगी तो फिर अट्ठाईस साल तक रुकना के में जितने में भी शायद सपोज चालीस में कोई शादी करता है तो पैंतालीस में उसको मिलेगा अधिकार इसीलिए पचास तक रखा है महिला का और पचपन तक रखा है पुरुष का कि अगर पचास साल की उम्र में कोई पुरुष शादी करता है तो पचपन तक उसे भी रुकना पड़ेगा और फिर पचपन में कि शादी के बाद पाँच वर्ष का अंतर आवश्यक है जितने भी उम्र में आप शादी करें तो तेईस में शादी करती है तो तेईस में ही उसको अधिकार नहीं मिल जाएगा पाँच साल बाद मिलेगा और जैसे कहा कि जुड़वा के बाद अगर एक बच्चा छोड़ जाता है तो उसी पेनल्टी और ऑफेंस के नीचे आएगा कि उसको दस साल की सज़ा मिलेगी और दस लाख तक का जुर्माना हो क्या करना नहीं हो। कंपल्सरी होगा यही तो कहा है अगर नहीं करता तो दस साल जेल जाएगा उसके लिए कंपल्सरी है कि वो बच्चा चाहे विकलांग हुआ हो चाहे बेटा बेटी हुए हो चाहे मेंटली चैलेंज हो क्योंकि वो उसका बालक है सिर्फ इतना भर है कि उसने बूम किसी का हायर किया तो जैसे वो अपना बच्चा अगर उसका होता तो उसे अडॉप्ट करता वैसे ही रहेगा और उसी अधिकारों के साथ रहेगा जैसे उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड था जी मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से इस तरफ मैम आपने आ, शुरुआत में कहा कि आ, ये कॉमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए ये बिल आप लोग लेकर आ रही हैं लेकिन जितनी शर्तें लगाई गई हैं मैम जी उसमें आपने सारी बातें कही ऐसा लगता है केवल एक वाक्य नहीं कर रही आप लोग कि सरोगेसी हम बैन करने जा रहे हैं नहीं मैंने तो शर्तें लगाई हैं मैंने तो रोकना शब्द ही नहीं कहा मैंने प्रतिबंधित कहा प्रतिबंध का मतलब बैन मैंने अंग्रेजी में बैन कहा कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से बैन की जा रही है जिस दिन ये बिल पारित हो जाएगा कमर्शियल सरोगेसी बैन हो जाएगी केवल हमने 10 महीने का समय रखा है कि ये बिल जब इन्फोर्स किया जाएगा उसके बाद 10 महीने इसलिए रखे हैं कि वो महिलाएं जो ऑलरेडी गर्भवती हो चुकी हैं या वो बच्चे जो पहले से गर्भ में आ चुके हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि दस महीने तक ये बिल इन्फोर्स ना किया जाए लेकिन 10 महीने समाप्त होते यह बिल एनफोर्स हो जाएगा कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह बैन कर दी जाएगी मैंने कहा इलेक्ट्रिस्टिक सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए नियमित करने के लिए और कमर्शियल सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ये बिल आया है इज़ द रीज़निंग बिहाइंड मैम मेरा थोड़ा सा वी वॉन्टेड टू रिस्ट्रिक्ट मैरिड कपल ओनली बिकॉज वी डोंट वी डोंट रिकोगनाइज लिव इन रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप टू गेट दिस वी डोंट वॉन्ट टू इंटाइटल दैम फॉर दिस मैम मेरा एक निजी सवाल है मैं आपके यहाँ बी एस पी प्रजेस पाठक आए उन्होंने कल मेरा कैमरा छीन लिया मारा और अभी भी मेरे पास है मदद करती हैं लोग फेसबुक ट्विटर के जरिए है ये उन्होंने मुझे नहीं है आप बाहर मिल लीजिए मुझसे जब ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी तो बाहर मिल लीजिए जो भी यहाँ थे लोग उनसे बैठ के हम लोग बात कर लेंगे यहाँ का सवाल नहीं है Uh, Ma'am one of the foremost principles of surrogacy is the principle of informed consent and even even if commercial surrogacy has a lot of issues informed consent is still valid there are legal contractual rules that guide commercial surrogacy your principle that you do not want to entitle living couples or homosexuals is essentially going to lead to a lot of people thinking that infertility is something inherently wrong how do you plan to address that देखिए कोई भी मुल्क जब अपना कानून बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है अभी क्या लीगल है क्या नहीं है, अभी तो सब है। हाँ, but, आ, आ, आप ये कह सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड है और हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये हमारे एथोस के साथ जाता ही नहीं है yeah, प्रदीप सोरेनू इधर दैनिक भास्कर से आपके इधर ऊपर मैम हाँ मैम दो चीज़ें हैं पिछले लगभग सात या आठ साल से ये बिल बन रहा है और उस पर कई बार हाँ ना हाँ ना करते करते अपने अपने फाइनल इसे बैन कर रहे हैं दो चीज़ें पहला तो कि जो आजकल आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उनमें भी कई बार ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे एक दूसरे से शादी कर लेते तो हैं उनके पास तो कोई फैमिली नहीं है तो उनके लिए क्या प्रावधान है अगर वो बच्चा चाहें पहला और दूसरा ये कि ये जो कुकुर कुमु की तरह जो बढ़ गए इतने सारे क्लिनिक्स, अगर ये किसी तरह की गलती करते हैं और क्योंकि इस तरह की बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं तो उनके लिए आपने सजा का क्या प्रावधान रखा है पहले तो जब मैंने बोला सजा की बात तो क्लिनिक्स, को साथ बोला। सबसे पहले क्लिनिक्स के लिए ही बोला क्लिनिक्स को वही ऑफेंस वही पेनल्टी लगेगी दस साल तक की सजा जो ये शत्र की तरह बढ़ रहे हैं जो आपने अनाथ की बात की उनके पास दूसरा विकल्प है एडॉप्शन

कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है उस माँ को देना उसको पैसा देकर खरीद के लाना जो गरीब महिला को आप पैसा देते हैं वो इसको कमर्शियल बनाता है वो तो अपने प्रोसीजर का पैसा लेंगे जो प्रोसीजर कर रहे हैं लेकिन उस गरीब महिला को लेकर के जो पैसा लेकर के खरीद के लाते हैं मैंने इसीलिए इसको कोक का व्यापार कहा वो कमर्शियल सरोगेसी बनाता है वरना तो जैसे आई वी हो रहा है इसी तरीके से प्रोसीजर का पैसा तो वो लेंगे डॉक्टर्स लेकिन जो गरीब महिला को खरीद के लाते हैं जिसकी कोक वो बंद होगी या विल गो टू दिस साइड मेरा सवाल सर uh, आपसे है uh, हाल ही में मेनका गांधी जी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया है कि पेटर्निटी लीव uh, जो है वो नहीं देनी चाहिए क्योंकि दैट कैन एज जानना चाहती हूँ कि इस पर आपका क्या कहना है आज का ये प्रश्न नहीं है मैं तो सरोगेसी पे बोल रही हूँ पेटर्निटी लीव पे बोल ही नहीं रही हूँ

जो उस समय था वो इसीलिए था क्योंकि आप पैसा दे करके चाहते नहीं थे कि महिला उस बच्चे को देखे वरना वो इमोशनली अटैच हो जाएगी इसीलिए आप पैसा देते थे और नौ महीने बाद इसको भी भगा देते थे और बच्चे को भी भगा देते थे लेकिन ये क्लोज़ रिलेटिव वाली बात वैसे ही होगी जैसे आप अपने भाई का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं आप अपने बहन का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं मौसी अडॉप्ट कर लेती है मामी अडॉप्ट कर लेती है लेकिन अब इसमें नई तकनीक के कारण ये हो गया कि मेरा बच्चा अडॉप्ट करने के बजाय मैं तुम्हारा बच्चा कर देती हूँ तो वो इमोशनल अटैचमेंट होगी या 176 मैम देर आर अ कपल ऑफ क्वेरीज दैट कम अप वन इज सिंगल वीमेन सिंगल मैन आर अलाउड टू अडॉप्ट चिल्ड्रेन देन वाई आर दे नॉट एंटाइटल सरोगेसी हाँ सरोगेसी में मैंने कहा ना कि आप किसी को हायर कर रहे हैं सिंगल पेरेंट अडॉप्ट कर सकता है सिंगल चिल्ड्रन एडॉप्ट किया जा सकता है और जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं तो पुरुष भी अडॉप्ट कर सकता है महिला भी अडॉप्ट कर सकती है एडॉप्शन में कोई बच्चा है जिसको आप ले रहे हैं यहां आप बच्चे के लिए किसी की कोक खरीद रहे हैं उसका कोई आवश्यकता नहीं आप, आपके पास एडॉप्शन का विकल्प है अगर आपको बच्चा पालने का शौक है तो आप लाइए क्योंकि वरना आप क्या होगा सिंगल पेरेंट अगर यहाँ आता है तो वो एग भी खरीदेगा महिला लेती है तो उस पम्प भी खरीदेगी तो स्पम्प का और एग का सेल और बाइंग भी इसके साथ चलेगी वो तो और ज़्यादा ख़राब है इसलिए सिंगल पेरेंट अगर आपको बनने की इच्छा है ज़रूर बनिए करिए और बल्कि वो जो बच्चे अनाथ घूम रहे हैं उनको एडॉप्शन में बापा माँ बाप मिलेंगे लेकिन सिंगल को अगर आप सरोगेसी की बात करते हैं तो सरोगेसी में तो फिर पहले तो आप या स्पम खरीदेंगे और उसके बाद आप सरोगेट मदर बनेंगे तो ये सही नहीं है

दोनों में कमी की आवश्यकता नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट इस बात का चाहिए कि ये हाँ। दोनों अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते बोर्ड या अथॉरिटी की भूमिका यही है कि वो ये जितने प्रावधान हमने बताए हैं उनको देखे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी चेक करे और बोर्ड पॉलिसी डिसीजन के लिए भी सरकार को मदद करेगा लेकिन ये सारे प्रावधान जो है उसको नियमित करने के लिए संचालित करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो बोर्ड और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। मैरिज yeah, uh, 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 hmm. सबसे ज्यादा तो झगड़ा यहाँ यही पैदा होता है बच्चे करा लेते हैं वो सरोगेट और उसके बाद डिवोर्स हो जाता है तो बच्चा कोई लेने को तैयार नहीं होता कोई उसकी कस्टडी नहीं लेता ये जो मैंने शुरू की चीज़ें गिनाई थी कि एक बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं एक को ले जाते हैं या बेटी होती है तो छोड़ देती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो विदेशी नागरिकों को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया वो इसी कारण किया है तो क्योंकि वहाँ डिवोर्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है यहाँ से पहले सरोगेट चाइल्ड करके चले गए और वहाँ जा के डिवोर्स दे दिया अब वो बच्चा किसी का नहीं है कोई लेने को तैयार नहीं है उसको उसके उसके लिए हम अनुमति नहीं देंगे yeah. क्योंकि uh, सेकंड में फिर आप स्पम या एग भी खरीदेंगे yeah. right. uh, 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 मैडम मदन जड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूँ एक्चुअली yeah. uh, जो बिल आपका बन रहा था तो इसमें सरोगेसी के अलावा सारा दूसरा जो ए क्लिनिक है उनको भी रेगुलेट करने की बात थी तो अब ये बिल सिर्फ सरोगेसी पे फोकस है बाकी जो ए क्लिनिक को रेगुलेट करने की बात थी उसमें क्या प्लानिंग है फ्यूचर में क्या वो आइडिया ड्रॉप हो गया ये बिल सरोगेसी तक ही सीमित रखा गया है बाकियों के लिए पहले से प्रावधान है आईवीएफ okay. वगैरह के लिए सबके लिए पहले से प्रावधान है अगर किसी में संशोधन की आवश्यकता होगी तो होगा लेकिन ये बिल केवल और केवल सरोगेसी कमर्शियल सरोगेसी तक ही है अगर कोई है तो ले मेरा सवाल है कि कड़े कानून होंगे और उसे लागू करने की बात भी कही जा रही है लेकिन सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है उसको लेकर कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे क्योंकि देखा जा रहा है कि कई तरह के कड़े कानून ऑलरेडी हैं लेकिन उसका वायलेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है एक्जाम्पल के तौर तो पर नड्डा साहब जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के इश्यूज़ में किस तरह से रिलेशन को आसानी से इस्टेब्लिश करने के लिए पेपर बन जाते हैं और अभी जो मुंबई और दिल्ली में हुआ उसका उदाहरण आपके सामने है तो कड़े कानून तो सरकार बनाना चाहती है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसे कड़ाई नहीं नहीं बिल्कुल इंप्लि, देखिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इच्छा शक्ति चाहिए होती है और इस सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस बिल्कुल आते हुए तो इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से होगा और क्योंकि सरोगेसी क्लिनिक सामने है ये कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है सरोगेसी क्लिनिक में ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ महिलाएं आती भी दिखेंगी गरीब नौ महीने वहाँ रहेंगी तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो लुका छिपी हो जाएगी ये सबके सामने हो रहा है और समाज इतना जागृत हो जाएगा इस बिल के बाद कि वो स्वयं कहेंगे कि यहाँ तो ये चल रहा है सब आखिरकार वो जो नौ महीने उस महिला को रखते हैं वो अपने पास रखते हैं उसको जाने नहीं देते तो सरोगेसी क्लिनिक की कोई भी चीज़ लुका छिपी नहीं हो सकती वो चलता हुआ क्लिनिक दिखेगा लेटी हुई महिलाएं दिखेंगी नौ नौ महीने वो मां रहेंगी तो बहुत साफ है इस इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी मैम मैम टू क्वेश्चन There, uh, is there going to be any sort of informal agreement between the parents and the surrogate because there is a relationship between them? So, what if tomorrow the relative decides not to give the child to the couple? Will there be some sort of agreement there? And second, is there a very real fear of pushing the entire industry underground because uh, commercial um, surrogacy is completely banned? But exploitation is something you talked about. Won't this be more exploitative? जहाँ तक पहला सवाल आपका कौन है बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में इंटेंडिंग कपल और सरोगेट मदर के बीच में केवल साधारण अग्रीमेंट नहीं पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन तो इसलिए वो बाद में मना कर देगी कि स्थिति नहीं है और सेकंड सवाल का जवाब अभी जो मैंने दिया कि यहाँ अंडरग्राउंड नहीं चल सकता ये चीज़ ऐसी नहीं है जो दिखाई नहीं देगी सरोगेसी क्लिनिक खड़ा हुआ दिखाई देगा उसके साथ जो होटल हैं वो दिखाई देंगे लेटी हुई महिलाएँ दिखाई देंगी नौ नौ महीने वो किस लिए पड़ी हैं ये दिखाई देंगी अगर एक छापा पड़ जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा इसलिए ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अंडरग्राउंड चलाई जा सके मैम इट सीम्स द इंटेंशन टू बेसिकली बैन कमर्शियल सरोगेसी

to have a a a biological child child as well is there a prohibition on that if not then why are we pro prohibiting having a surrogate child in in case of such couples के सबसे पहले तो लॉ यही आ रहा है और जो आपने कहा कि adoption के बाद अगर अपना बच्चा हो जाता है तो उसको लॉ प्रोहिबिट नहीं करता ये ठीक बात है प्रोहिबिट नहीं करता लेकिन यहाँ जब आपने adopted चाइल्ड ले लिया उसके बाद अगर आप सरोगेट चाइल्ड किसी और से करवा के लेकर आएंगे तो आप भेदभाव करेंगे उसके साथ मैंने शुरू में कहा अगर आपका अपना बच्चा हो जाता है और साथ में अडोप्टेड चाइल्ड भी है तो भगवान की देन है आपने उसको साथ में रखा लेकिन यहाँ आप जरूरत नहीं है आपको बच्चे की जो एक ज़रूरत थी वो आपकी पूरी हो गई अब आप शौक के कारण सरोगेट भी लाना चाहते हैं तो जब दो बच्चे आपके पास होंगे एक आपका अपना बच्चा किसी के द्वारा जन्मा हुआ और एक एडोप्टेड चाइल्ड तो आप उसके साथ पालन पोषण में भी अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी के समय जरूर करेंगे ओनली ऑन यस मैम इधर नमस्कार मैडम नम। मेरा सवाल है मैम जैसे व्यवसायीकरण होता है इसका कमर्शियल और इसी के लिए ये कानून भी लाया गया है तो क्या आ, इसके लिए ऐसे गरीब कपल्स के लिए कोई सब्सिडी की स्कीम भी सरकार लाएगी क्या क्योंकि काफ़ी महंगा होता है हम गरीब कपल्स की बात ही नहीं कर रहे कौन जाएगा कौन गरीब कपल जाएगा सरोगेसी कराने के लिए कौन गरीब कपल जाएगा

अगर वो क्लोज रिलेटिव है तभी ना okay. जब कमर्शियल है ही नहीं <laughs> तो वो अगर करें जो हमारी दो चीजें हैं कि एज उसकी क्या होनी चाहिए वो एज और उसके अलावा वो क्लोज रिलेटिव अगर किसी की है और वो मदद करना चाहती है अपने देवर को मदद करना चाहती है या अपने जीजा को मदद करना चाहती है तो कर सकती है उसके ऊपर कोई वो नहीं लेकिन एक चीज़ है विडो है मगर पहले कोई बच्चा हुआ है क्या क्योंकि दो चीज़ें हमने कही हैं उसमें विवाहित होनी चाहिए चाहे वो विधवा हो गई हो लेकिन पहले एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे चुकी हो ये दो कंडीशंस अगर वो पूरे करती है तो बेशक से वो विडो है वो क्लोज रिलेटिव है पहले किसी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे चुकी है तो विधवा भी कर सकती है लेकिन ये दो शर्तें पूरी करनी जरूरी होंगी। that क्विंट माई क्वेश्चन अबाउट Or the rights that you're talking about for surrogate surrogate children children. also be extended to uh, existing surrogate children? Yes. yes okay. Yeah. Last two questions so we will take उसपे कोई नियंत्रण होगा नड्डा जी बैठे हैं हर हॉस्पिटल की फीस अलग अलग निर्धारित होती है डॉक्टरों की भी फीस अलग ऑपरेशन फीस हर हॉस्पिटल में अलग अलग तो क्या कोई ऐसा clearly enunciated hai states have to adopt it the moment the states adopt it wo uske antargat aayenge aur unki fees regulate hogi yeah please ask your question 95 uh acha i didn't see you sorry because you are not having the placard perhaps ah. Uh, i'll come back to you one minute please मैं माफ़ी चाहता हूं दरअसल मेरा सवाल Incredible India से जुड़ा हुआ है यहाँ पे मैंने NDTV uh, NDDV से मैं बोल रहा हूं और मैंने खबर की है Incredible India को लेके कि विदेशी tourist कैसे आते हैं airport पे टैक्सी वाले उनको कैसे खत्म हो गए ये सरोगेसी से अलग जा रहे हैं yeah. बस एक सवाल नहीं, एक सवाल मैम एक छोटा सा सवाल है नहीं नहीं सॉरी वो समय yeah, विषय से संबंधित नहीं है प्लीज आस्क मैडम सुषमा जी आई एम अदिति टंडन फ्रॉम द ट्रिब्यून I have one question. Um, you know, Britain has experimented with altruistic surrogacy mm -hmm. for a long time and they've had their issues. Mm. Now, the one thing that I want to ask you is Is our law inspired by the UK's altruistic surrogacy law? And secondly, in the UK law, uh, the definition of a surrogate mother is a blood relative and not a close relative. Can you distinguish between the two? And secondly, mm -hmm. just one more supplementary in UK altruism, The legal mother is the surrogate mother. What will be the legal mother in the Indian scenario? देखिए हमने UK law ko को खुद पढ़ा मंगा के देखा क्योंकि सबसे पुराना सरोगेसी की प्रथा अगर hai है तो वो mein में है और ये चीज़ सामने आई कि वो blood relation honi होनी चाहिए लेकिन उसको थोड़ा सा हमने kiya किया क्लोज़ रिलेटिव करके क्योंकि अगर भाभी है तो वो ब्लड रिलेटिव नहीं है बहन ब्लड रिलेशन में है यानी मौसी लेकिन मामी ब्लड रिलेशन में नहीं है तो हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया है हमने देखा कि यू के लॉ में ये रिस्ट्रिक्टेड है केवल ब्लड रिलेशन तक और देखा जाए तो हमें रास्ता भी वहीं से मिला वरना ये समझ में नहीं आ रहा था कि किन को दें क्योंकि ज़्यादातर मत ये बन रहा था कि सारी सरोगेसी बंदी कर दो खत्म प्रतिबंधित कर दो लेकिन जब यू के वाला ये लॉ देखा कि उन्होंने ब्लड रिलेशन्स को कहा है तो फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके क्लोज रिलेटिव शब्द लेकर आए लीगल मदर तो हमारे यहाँ कपल के जो पेरेंट्स हैं वो होंगे ना कि सरोगेट मदर होगी जो इंटेंडिंग कपल लेके जा रहा है बच्चे को क्योंकि उसी पर हम ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो बच्चे को जरूर लेकर जाए और अगर बच्चे को ना लेकर जाए तो दस साल की सजा काटे तो लीगल पेरेंट्स वही होंगे लीगल मदर वही होगी जो इंटेंडिंग पेरेंट जिसने लिया है बच्चा ना कि वो जिसने जन्म दिया है

वो सारे इसको होंगे उसमें अगर इनहेरिटेंस के है कोई प्रॉपर्टी तो उसको भी मिलेगी लेकिन अगर आज की तरह जैसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको बहुत बार अपने बच्चे को इन लोग नहीं देते ट्रस्ट दे जाते हैं कहीं और दे जाते हैं चैरिटी में दे जाते हैं तो इसीलिए शब्द जो हमने डाला है वो लीगल राइट right नहीं डाला बायोलॉजिकल चाइल्ड को जो अधिकार होगा वो तमाम अधिकार इस सरोगेट चाइल्ड को देंगे ठीक थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम नमस्कार धन्यवाद थैंक यू सर And thank you, friends. There is another press conference. At